तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अपने फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है। तो देखिए, फेसबुक ऐप को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ इन तीन लाइन्स पर क्लिक कर लेना है। तो तीन लाइन्स पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ एक सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो देखिए, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है। तो सेटिंग्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट सेंटर, तो आपको यहाँ पे अकाउंट सेंटर पे क्लिक कर लेना है। तो अकाउंट सेंटर में जाने के बाद अब आपको इस पेज पर एक ऑप्शन दिखेगा पर्सनल डिटेल्स, तो आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पर क्लिक कर लेना है। तो देखिए, अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा डीएक्टिवेशन और डिलीशन, तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपकी फेसबुक की प्रोफाइल दिखेगी जिसको आप डीएक्टिवेट करना चाहते हो। तो आपको यहाँ से अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखेंगे, डीएक्टिवेट अकाउंट और डिलीट अकाउंट। तो अगर आप अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से डिलीट अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हो, पर अभी हमें अपने फेसबुक अकाउंट को टेम्परेरी डीएक्टिवेट करना है, तो हमें यहाँ से डीएक्टिवेट अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। गाइस, अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट करते हो तो अगर आपने उस अकाउंट से कोई पेज क्रिएट किया होगा तो आपका वो पेज भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो देखिए, अब आपको यहाँ पर अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड डाल देना है। तो पासवर्ड डालने के बाद आपको फिर से नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो कंटिन्यू पे आप जैसे क्लिक करोगे तो अब देखिए, आपको यहाँ से एक रीज़न सिलेक्ट कर लेना है कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को क्यों डीएक्टिवेट करना चाहते हो। तो चलिए, मैं यहाँ से एक रीज़न सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो रीज़न सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो गाइस, अब आपको इस पेज पे फिर से नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो देखिए, अब आपके सामने एक पेज आ जाएगा कन्फर्म टेम्परेरी अकाउंट डीएक्टिवेशन। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर नीचे की तरफ आओगे तो नीचे ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा डीएक्टिवेट माई अकाउंट। तो अब आपको यहाँ पे डीएक्टिवेट माई अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे डीएक्टिवेट माई अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपका फेसबुक अकाउंट यहाँ से डीएक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के बाद दोबारा से रीएक्टिवेट करना चाहते हो तो आप सिंपली लॉग इन करके अपने फेसबुक अकाउंट को दोबारा से रीएक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।